देखिए कल हमारा ये तीन मैच मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। वुमेन्स का मैच है सुबह में, और नेदरलैंड श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट और आयरलैंड का। तो सबसे पहले तो चलिए पॉइंट्स टेबल के ऊपर एंड में डिस्कशन करेंगे, जिसको सुनना होगा एंड में सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो अब ये जो है ये सुपर सिक्स में नहीं है, ठीक है। आयरलैंड और यूएसए सुपर सिक्स में नहीं है, ये पहले से ही हट गई है। बट अब वही है कि आखिरी में उसके नीचे कौन रहेगा, उसके नीचे कौन रहेगा करके ये पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस मैच में आपको आयरलैंड के साथ रहना है, ठीक है। अगर अगर यूनाइटेड स्टेट्स पहली बैटिंग करती है और अच्छा स्कोर बना लेती है, ठीक है, अच्छा स्कोर इन द सेंस 250 प्लस बना देती है, तो मैच में टक्कर दे सकती है। बट अगर ये अपने मेन मेन बॉलर को हटा देंगे, जैसे एक दो, जैसे लास्ट मैच में दोनों नहीं खेले थे, तो फिर आप इनके अगेंस्ट मत रहिएगा। आपका काम होगा आयरलैंड को पकड़ के रखना, काम खत्म। बिकॉज यही दोनों बॉलर इनके मेन हैं, और इसके अलावा आपके जसदीप सिंह, निसर पटेल और एक और प्लेयर किधर गया यार, केंजिगे करके जो बॉलर था, ये रहा, ठीक है। तो यही इनके चार पांच मेन बॉलर है, बाकी स्टीवन टेलर। हालांकि टीम का प्रदर्शन काफी पुअर रहा है, मेन फोकस रहेगा अपना आयरलैंड पे, काम खत्म हो गया। बट मैच में कलर आ सकता है अगर ये पहली बैटिंग करें, इनके दोनों मेन फास्ट बॉलर खेलें और ये 250 से ऊपर का स्कोर बना दे, ठीक है। तो सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया, और वेरी मैं करती आपको याद होगा मैंने लास्ट मैच में बोला था इसको खेलना चाहिए और बेन वाइट को बैठना चाहिए, तो ये खेला और इसने क्या किया वो आपको मालूम है, ठीक है। ये बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, टीम में कोई कमी नहीं है। ये जो पॉल स्टर्लिंग है, मैं हमेशा इनको नोटिस करता हूँ, बांग्लादेश के खिलाफ भी जब हार गए थे तो आखिरी मैच इन्होंने अच्छा खेला था। तो डेड मैच में अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, हालांकि टीम में कोई कमी नहीं है। बट कहीं ना कहीं जोशुआ लिटिल काफी ओवर रेटेड बॉलर है, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, इसकी वजह से ये स्कॉटलैंड से हारे थे। तो इसके पहले भी वो मैच ओमान में भी इन्होंने ठीक ठाक ही बॉलिंग की थी, बट इनको थोड़ी स्लोअर रन वगैरह सीखनी होगी, नहीं तो इनका काम नहीं हो पाएगा। ज्यादा डिटेल में तो डिस्कशन नहीं करूंगा। इसमें BNRY के कैंडिडेट आपके लॉर्कन टकर हैं, जैसा मैं हमेशा बोलता पॉल स्टर्लिंग सिंह सेंचुरी मारी है तो आप इनको नॉट ले सकते हो, ठीक है। और इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं बेकार टीम में, ठीक है। अब श्रीलंका और नेदरलैंड्स की बात कर लेते हैं, तो नेदरलैंड्स को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि अभी इन्होंने 374 रन बना करके वेस्टइंडीज को हराया, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, वेस्टइंडीज में बॉलर्स नहीं है, बट श्रीलंका के बॉलर्स काफी आप बोल सकते हो। सबसे बड़ा इनका पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि स्पिन कट रही है, पिच में स्पिन कट रही है, और दोनों ही एक तरह से काफी अच्छी स्पिन कटा लेते हैं, रॉन्ग वन ज्यादा फेंकते हैं, तो यही दोनों की वजह से मैच जीत गए। मैं अभी भी समझता हूं लाहिरू कुमारा, कसुन राजीता को हटा करके चमिका करुणा रत्न और दिशमांता चमीरा को लेना चाहिए। दोनों ही बैटिंग अच्छी करते हैं, दोनों ही बॉलिंग अच्छी करते हैं, बट फिर भी इन्होंने इनको लिया स्कॉटलैंड में, बस किसी तरह जीत गया बोल सकते हो। थोड़ी सी अच्छी बैटिंग करते तो इनको हरा देते, जैसा मैंने बोला था स्टार्ट में, अगर इनका विकेट गिरेगा तो फिर ये कोलैप्स कर जाएंगे, नीचे में कोई बैट्समैन बचेगा नहीं, ठीक है। दसुन थाना का फॉर्म में है नहीं, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये मैच जीत रहे हैं, तो आप देखिएगा। अब इनका मैच इनके साथ है, मैं समझ रहा हूँ विवियन किनिकमा को हटा करके रैन क्लिन को ले ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रैन क्लिन एक अच्छे बैट्समैन भी हैं, और इन्होंने साकिब जुल्फिकर को लेकर अच्छा किया, क्योंकि बैटिंग अच्छी करता है, ठीक है। और बॉलिंग में तो इनके पास काफी बॉलर है, सारी जहमत को ले भी सकते हैं, लेकिन इस पर नहीं भी ले सकते। अब देखिए ये टक्कर डिफेंड मुश्किल से कर पाएंगे, ठीक है। इनकी चेस टीम में, जैसा मैंने लास्ट के लास्ट वीडियो में ही बोला था, इनकी 11 नंबर तक बैटिंग आती है, ठीक है। और ये चेस में आपको मैच बना के दे सकते हैं, इसीलिए ये मैच मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे भी दिया था, आपको मालूम होगा। तो आखिरी में मैच उड़ा और मैंने आपको दिया भी था, ठीक है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि इनके नीचे के प्लेयर मार लेते हैं, चाहे आर्यन दत्ता हो, चाहे फ्लॉइड हो, चाहे आपके लोगन वैन बीक हो, शाकिब जुल्फिकर हो। मैंने इतना नाम इसका लिया था स्कॉट एडवर्ड्स अपने लास्ट वीडियो में कि ये बंदे के पास बहुत टैलेंट है, बट ये है कि लोअर ग्रेड की टीम में आता है तो इसको कोई जानता नहीं है, ठीक है। सिंगल डबल अच्छा लेता है, तेजा निडा मनरू फॉर्म में है, तो टीम में कोई कमी नहीं है, ठीक है। टीम अच्छी है और टक्कर देगी, मैं समझता हूँ फिर श्रीलंका को कल टक्कर मिलेगी, और अगर ये चेस करेंगे तो इनको ज्यादा चांस रहेगा। भले इनके पास स्पिनर है, पर मैं समझता हूँ ये स्पिनर भी अच्छा खेल लेते हैं, इनके पास ऐसे प्लेयर है जो स्पिनर अच्छा खेल लेते हैं, और कहीं ना कहीं श्रीलंका को कल टक्कर मिल सकती है। और तो कुछ बोलना नहीं है, मैच अच्छा बन सकता है, बट मेजर है तो भाई आप श्रीलंका के साथ ही रहोगे, कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ऑल नॉट रनर्स इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, सदीरा समर विक्रमा थोड़ी थोड़ा तेज खेलता है, आप इसका BNRY कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इधर भी BNRY फर्स्ट नहीं रहा है, तो थोड़ा वेट करो, थोड़े अच्छे टूर्नामेंट्स आने दो, मतलब कि वुमेंस के, उसमें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए चमारियट्टा पट्टू तो लास्ट मैच में सेंचुरी मारी थी ना, इसका नॉट उठा सकते हैं आप। बाकी टीम एकदम आप बोल सकते हैं स्लो है। वुमेंस का क्या, अभी तो सबसे पहले बारिश होगी तो इसमें डिस्कशन करने की बात नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना वुमेंस में कि यहाँ पर ये सारे के सारे प्लेयर स्लो खेलते हैं, खाली कविशा दिलारी थोड़ा तेज खेल सकती है। हालांकि मीनाक्षी डिसिल्वा ने लास्ट मैच जो हुआ था इनका जो T20 है, काफ़ी अच्छी इन्होंने बैटिंग की थी, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका इंप्रूव कर रही है। लास्ट मैच में इन्होंने जिस हिसाब का वो दे रहा था ना, तो कहीं ना कहीं इन्होंने न्यूजीलैंड को हरा दिया, मतलब ये बहुत बड़ा उलटफेर हो गया आप बोल सकते हो। हालांकि वो मैच 50 ओवर का नहीं था, अब आप चेस कर रहे हो तो एक प्लेयर का मैच होता है 20-22 ओवर के मैच में, 29 ओवर का जो मैच था। इनकी टीम में देखिए कोई कमी नहीं है, मैं वीडियो नहीं बना पाया। सुजी बेट्स उठा लीजिए, अमिलिया केर उठा लीजिए, सोफी डिवाइन उठा लीजिए, मैडी ग्रीन फॉर्म में है, ठीक है। इसके अलावा आपकी ईडन कार्लसन, फ्रैंक जोन्स, इन्होंने ली कैस्पर स्काई को नहीं लिया, मेरे ख्याल से लेना चाहिए। मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि इससे बेटर ऑफ स्पिनर इनके पास है नहीं, ठीक है। इसके अलावा तो मॉली पेनफोल्ड भी ठीक ठाक फास्ट बॉलिंग कर लेती है, तो टीम में कमी नहीं है। कल के मैच में आप न्यूजीलैंड के साथ रहो, बारिश हो ना हो, पहला मैच इन्होंने काफी दिन के बाद खेला है, तो हो सकता है वो किसी तरह फॉल्टर कर गए हो, बट ये वाला मैच तो यही जीतेंगे, ठीक है। चेस करें, डिफेंड करें, दिस इज द टीम टू बीट। हाँ, एक मैच में चमारी अट्टापट्टू खेल गई तो इनका काम हो गया, नहीं तो एंड में जाकर सारे प्लेयर जो है ना, आप देखे ही होंगे विष्णु गुरुनारत्ने को, ठीक है। हर्षिता माधवी ठीक ठाक खेलती है, लीलाक्षी डिसिल्वा, संजीवनी, कविता दिलारी तेज खेलती है ऑफ स्पिनर है, बाकी इनके स्पिनर्स काफी अच्छे हैं, डिफेंड कर सकते हैं ये, ठीक है।
डिफेंड कर सकती है, बट 50 ओवर का मैच हो, एक अच्छा टोटल बनाए, पिच में टर्न ले रहा हो, अगर पिच में टर्न ऑन कुछ है ही नहीं जैसे लास्ट मैच में था, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता, फिर आप न्यूजीलैंड के साथ रहना। और ये मैच आपको न्यूजीलैंड जीतते हुए मिलेगी, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ रहोगे तो आपका काम हो जाएगा, एक मैच हो गया तो हो गया, बट अब ऐसा मैच शायद ही आपको देखने मिले, ठीक है। हाँ, अगर ये पहले बैटिंग करके ठीक ठाक स्कोर बना लेती हैं तो मैच में थोड़ा कलर आ सकता है, बट इनको हराना बहुत मुश्किल है, चेस में तो इनको हराना और भी मुश्किल होगा। आप कल के मैच में न्यूजीलैंड के साथ रहिए, ठीक है, मैंने फटाफट आपको बता दिया है, 100 नॉट देख लीजिएगा, इसमें आप न्यूजीलैंड के साथ रहिएगा, इसमें आप आयरलैंड के साथ रहिएगा, और इसमें मैच अच्छा हो सकता है, नेदरलैंड्स वाला मैच अच्छा हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि मैं नेदरलैंड्स को हटा रहा हूँ, नेदरलैंड्स और श्रीलंका का मैच अच्छा हो सकता है। अगर नेदरलैंड पहली बैटिंग करती है तो फिर वो नहीं जीत पाएंगे, मेरे हिसाब से श्रीलंका चेस कर लेगी। अगर नेदरलैंड चेस करती है तो नेदरलैंड के पास इतनी बैटिंग है कि वो स्पिन अच्छा खेलते हैं, स्कॉट एडवर्ड्स वगैरह उठा लीजिए, सब अच्छा खेलते हैं, इसके ओपनर भी अच्छा खेलते हैं, मैक्स ओडाओ, तो मैच में कलर आ सकता है, ठीक है। बट एंड में श्रीलंका के साथ रहना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बल्कि मैं ये मैच आपको यहां नहीं बता सकता, वहां पे आपने बताऊंगा, ठीक है। फटाफट आइए पॉइंट टेबल पर डिस्कशन करते हैं, तो मैं अपना सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं, चलिए सारी चीज बता दी, अब जिसको सुनना है वो एकदम गौर से सुने, आइए पॉइंट टेबल के ऊपर डिस्कस करते हैं, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं मोबाइल में चली थी कि मोबाइल में बाद में दूंगा, ओमान हट गई, ठीक है, आपको मालूम है ओमान का कुछ होना नहीं, अब वो ऐसे में भी इनको जाना ही था, जबरदस्ती का पहुंच हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, अगर जिम्बाब्वे अपना दोनों मैच हार जाता है, ठीक है, तो भी ये क्वालिफाई कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसका नेट अच्छा है। दूसरा, अगर ये दोनों भी हारता है तो ये तीन मैच ऑलरेडी विन कर गया है, मतलब इस केस में वेस्ट इंडीज़ को तीनों मैच जीतना पड़ेगा, मतलब वेस्ट इंडीज़ को स्कॉटलैंड, श्रीलंका और ओमान को हराना पड़ेगा, ओमान को तो वो हरा देंगे, ठीक है, श्रीलंका और स्कॉटलैंड को इतना आसानी से नहीं हरा पाएंगे, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है कि यहां से आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, यहां से ये दोनों टीम ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गई हैं, ठीक है, थीके? खाली जिम्बाब्वे को ये करना है कि श्रीलंका सारा मैच जीत जाए, जिम्बाब्वे को ऐसा सोचना है कि श्रीलंका सारा मैच जीत जाए, काम खत्म। अगर श्रीलंका सारा जीत गई तो उस केस में क्या होगा, ओमान तो पहले बाहर हो गई है, वेस्ट इंडीज़ एक मैच हार जाएगी, अब एक हार जाएगी तो ये मैक्सिमम में दो ही मैच जीत सकते हैं, तो वेस्ट इंडीज़ भी बाहर, नेदरलैंड्स श्रीलंका से हार जाएगी तो नेदरलैंड्स भी मुश्किल से मुश्किल तीन ही पॉइंट कर सकती है, कि मतलब मान लीजिए नेदरलैंड्स जाके स्कॉटलैंड ओमान को हरा दे, ठीक है, तो नेदरलैंड्स का भी तीन ही हो सकता है, बट इनका नेट रन रेट माइनस में, काफ़ी माइनस में, हालांकि जिम्बाब्वे भी दो हारेगी तो इनका माइनस होगा, बट इतना कवर करने में थोड़ी दिक्कत होगी। स्कॉटलैंड आपका ऑलरेडी श्रीलंका से हार चुकी है, और स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे का मैच होगा, अगर मान लीजिए स्कॉटलैंड वो भी जीत जाती है तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज अगर स्कॉटलैंड को हरा देगी तो भी इनका तीन ही रहेगा, तो इनका भी नेट रन रेट माइनस में, तो जिम्बाब्वे मैं बता रहा हूँ अभी सारा मैच हार के भी जा सकती है, इनको सिर्फ ये सोचना है कि श्रीलंका सारा जीत जाए, जो कि पॉसिबल है, ठीक है। अब दूसरा कहीं क्या बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब यहाँ से वेस्ट इंडीज को तीनों मैच जीतना पड़ेगा, इनको सबसे पहले तो स्कॉटलैंड को हराना पड़ेगा, श्रीलंका को हराना पड़ेगा, ओमान, और ये हरा सकते हैं, स्कॉटलैंड ओमान को आराम से हरा सकते हैं और श्रीलंका को भी हरा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, टॉप की टीम है वेस्ट इंडीज की, ठीक है, इनके जो भी बैट्समैन है सब क्लास है, वहाँ वानिंदो असरंगा उतने काम में नहीं आएंगे, और हरा सकते हैं, एकदम ईजिली हरा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। श्रीलंका आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी टीम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो तो खाली वो जो स्पिनर इनके खेल गए तो काम कर दिया इन्होंने, अदरवाइज साई होप वगैरह इतना टॉप क्लास स्पिन खेलते हैं, ये लोग बैंड बजा देंगे, तो यहाँ से श्रीलंका भी हो सकता है निकल जाए, ऐसा नहीं है। तो अगर जिम्बाब्वे श्रीलंका को हरा देती है, ठीक है, जो कि पॉसिबल है क्योंकि क्राउड सपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ होती हैं, और ये वेस्ट इंडीज़ जाके फिर श्रीलंका को हरा दे तो फिर इनकी हालत खराब हो जाएगी, बट इनका सबसे प्लस पॉइंट ये रह गया कि इनका प्लस में नेट रन रेट बहुत हैवी है, मतलब नेदरलैंड्स को इनको हराना पड़ेगा और ये तीनों मैच हार जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका का तो जाना तय है, जिम्बाब्वे का भी जाना तय है, नेदरलैंड्स कुछ उलटफेर भले ही कर सकती है, वेस्ट इंडीज़ भले ही तीनों जीत जाए, बट फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी इनको, है ना, क्योंकि आखिरी मैच जिम्बाब्वे स्कॉटलैंड का है, हालांकि आपको याद होगा लास्ट दो चार साल पहले जिम्बाब्वे ने लास्ट मैच अपने यूएसए के साथ वो हारे थे या यूएई के साथ, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, शायद वर्ल्ड कप यही क्वालिफिकेशन था, हालांकि इस बार सारे प्लेयर फॉर्म में है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ होना नहीं है, जिम्बाब्वे श्रीलंका मैक्सिमम चली जाएगी, कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है नेदरलैंड्स के लिए, अगर नेदरलैंड्स कल कुछ उलटफेर करती है तो श्रीलंका की हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, बट अगर कल इन्होंने नेदरलैंड्स को हरा दिया तो इनके भी तीन हो जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली फिर आपको मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा सुपर सिक्स का मतलब क्या है, क्योंकि ऑलरेडी दो टीम दो दो पॉइंट के साथ हैं और एक टीम ओमान एकदम बेकार आ गई है, तो कोई सेंस नहीं बन रहा है सुपर सिक्स का, क्योंकि यहाँ से अभी वेस्ट इंडीज़ को सारा जीतना पड़ेगा, नेदरलैंड्स को सारा, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा, ठीक है, तो यही है आपको मैंने बता दिया, मोस्ट प्रोबेबली अब कुछ देखने नहीं मिलेगा, टूर्नामेंट ठंडा ही पड़ा रहेगा, ये दोनों निकल जाएंगे, अगर कल के मैच में नेदरलैंड्स उलटफेर करता है तो फिर मैच में थोड़ा कलर आ सकता है, थोड़े टूर्नामेंट में कलर आ सकता है, क्योंकि फिर कुछ भी हो सकता है ना, हालांकि श्रीलंका का जाना ऑलमोस्ट तय है, बिकॉज ये एक भी जीतेंगे उनका शायद ओमान से मैच है ना, ये श्रीलंका का नेदरलैंड से है, जिम्बाब्वे से है और वेस्ट इंडीज़ से है, तो तीनों ही तगड़ी टीम से इनका, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो देखेंगे क्या होगा, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा कुछ होना नहीं है टूर्नामेंट में, स्कॉटलैंड से मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले भी बोल दिया, मतलब क्योंकि तो इनके पास कुछ प्लेयर नहीं खेल रहे, टीम अच्छी है नो डाउट, पर ये टीम मैकेंटोस आपके जैक जारविस सब इधर उधर के प्लेयर फालतू खिला रहे हैं ये लोग, ये दोनों टीम तो ऑलमोस्ट निकल गई है, अभी भी नेदरलैंड्स का चांस है, मैं बता रहा हूँ नेदरलैंड्स की टीम अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, साल दर साल अच्छी रही है, बट इनके प्लेयर्स इनको छोड़ के चले जाते हैं, अगर नेदरलैंड्स कल श्रीलंका को उलटफेर कर देता है तो फिर नेदरलैंड्स का मैच आपका ओमान से रहेगा तो ओमान को भी हरा सकते हैं, और नेदरलैंड्स का मैच स्कॉटलैंड के साथ रहेगा, स्कॉटलैंड को भी हरा सकते हैं, अगर कल नेदरलैंड जीत गई है ना तो ये बैंड बजा देंगे, क्योंकि फिर ओमान और स्कॉटलैंड को आराम
आराम से हरा के इनका 4 पॉइंट हो सकता है। ये बहुत तगड़ी टीम है और अभी अच्छा खेल रही है और कल मैं पूरी उम्मीद है क्योंकि ये जिम्बाब्वे को हरा ही दिए थे 316 रन बना दिए, पर पता नहीं इतनी खराब बॉलिंग इन्होंने कैसे की और वेस्ट इंडीज़ को इन्होंने हरा ही दिया। टॉम वैन डिक भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है तो देखा जाएगा ठीक है, पर नेदरलैंड्स के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी उतनी भले ही आप वेस्ट इंडीज़ में नजर रखो। नेदरलैंड्स अगर कल हराती है श्रीलंका को तो मैच मजा आ जाएगा टूर्नामेंट में, पूरा खुल जाएगा टूर्नामेंट में ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि फिर नेदरलैंड्स तो इतना श्योर है कि स्कॉटलैंड और रोमन को हरा देगा तो ये 4 पॉइंट कर लेगा अपना, तो उस केस में हालत खराब हो जाएगी बाकी टीमों की ठीक है। तो कल का मैच बहुत होने वाला है इंपॉर्टेंट और कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, कुछ भी पॉसिबल है ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं चलता हूँ, उतना डिटेल में एनालिसिस नहीं किया और आपको मालूम है आज TNPL में चेज हो गया जो मैंने कल आपको वीडियो में साफ साफ बोला था कि मेरे ट्रिक के साथ, पर मैं यही चाह रहा था फालतू टीम जो आखिरी नंबर पे वो चेज पे आए बट ऐसा हुआ नहीं तो मैच डेट हो गया ठीक है। तो ये ट्रेंड जो लास्ट ईयर से चला रहा है वो जो मैंने लास्ट ईयर बताया तो अभी तक भी चला रहा है, अब जो ये दूसरे वेन्यू में मैच होगा उसका आखिरी मैच अपन चेज पकड़ेंगे अगर अच्छा बनता है तो ठीक है। और तो कुछ नहीं दोस्तों अभी मैं चलता हूँ, कुछ हो तो बताइएगा ठीक है।